नमस्कार, स्वागत आप सभी का बजारों की चाल में। मैं आपके साथ अगले शाड़ी बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आऊंगा यहाँ पे कृषि फसल बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा कारोबार करता नजर आ रहा है, सुबह के मुकाबले कृषि फसलों में कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि इस कम्युनिटी बाजार का अपडेट जानने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको भी ओमिक्रॉन के दौरान ये डर सता रहा है कि आपकी दुकानदारी अब आगे कैसी रहेगी, क्या लॉकडाउन लगने की कोई स्थिति बनेगी नहीं बनेगी और आपकी दुकानदारी ठप ना पड़ जाए, अगर आपको भी इसी चीज़ का डर सता रहा है तो आपको और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में आ गई है माई बिग ब्लिस ऐप। ये ऐप जो माई बिग ब्लिस ऐप है, ये आपकी सेल को ओमिक्रॉन से सिर्फ बचाएगी नहीं बल्कि बढ़ाएगी भी। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप गृहिणी हैं या फिर अपनी एक साइड इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं, तो आप इस ऐप से लाभ कमा सकते हैं। ऐप्स का नाम है माई बिग ब्लिस ऐप, MYBIGBLISS माई बिग ब्लिस। करना इतना छोटा सा काम है, ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है सबसे पहले, उसके बाद उस पर अपना स्टोर बनाना है। जो भी सामान आप बेचना चाह रहे हैं आप उसी का स्टोर बना सकते हैं और उसके प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पर चढ़ा सकते हैं। जब आपका स्टोर लाइव हो जाएगा आपके पास बिग ब्लिस से ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो बिना देरी किए जल्द डाउनलोड करें माई बिग ब्लिस ऐप। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आज के यहाँ से कृषि फसल बाजार के अपडेट की। सबसे पहले जानेंगे कि कौन सी कृषि फसल किस भाव पर ट्रेड करती नजर आ रही है और फिर आगे जानेंगे कि अपने एक्सपर्ट से, जो कि मोतीलाल के ओसवाल वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा जी हैं, उनसे जानेंगे कि आगे किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कैसा सीड से। तो हम देख रहे हैं कि कैसा सीड का जनवरी वायदा 5904 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 5984 का ही लगा चुका है, 0.25% की करेक्ट तेजी है। हम देख रहे हैं कि शाम के कारोबारी सत्र में कैसा सीड का जो जनवरी वायदा है अब वो पहले के मुकाबले अब कुछ सुधरता नजर आया है। सुबह के कारोबारी सत्र में हमने कैसा सीड को 5800 यानी 5800 के लेवल्स पर ट्रेड करते देखा था, लेकिन अब देख रहे हैं कि 5900 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है, धीरे धीरे अब 6000 की ओर जाता नजर आ रहा है। निचले स्तरों से कैसा सीड की कीमतों में खरीदारी लौटी है, लेकिन कैसा सीड में अभी भी जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि उठापटक का माहौल आगे अभी जारी रह सकता है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट डिमांड है कैसा सीड की अभी वो इतनी देखने को नहीं मिल रही है जो कैसा की कीमतों को आगे तेजी की ओर लेके जाए। बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की यानी कॉटन सीड ऑयल केक की, तो हम देख रहे हैं कि बिनौला खल का जनवरी वादा 2793 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 2806 का ही लगा चुका है, मामूली सी करेक्शन है। हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से बिनौला खल का जनवरी वादा 2800 के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आज के कारोबारी सत्र में बिनौला खल ने 2800 के ऊपर ट्रेड नहीं किया है, हाई जरूर लगाए लेकिन ट्रेड नहीं किया है अभी। और बता दें कि बिनौला खल का जो जनवरी वादा है, हो सकता है कि आज क्लोजिंग होते होते 2800 का लेवल भी टच कर ले, सिर्फ और सिर्फ 7 पॉइंट की दूरी है 2800 का लेवल टच करने से बिनौला खल में। ओवरऑल रुझान जानकार जो भी है एक्सपर्ट्स मार्केट के सारे जितने भी, वो बिनौला खल की कीमतों में आगे तेजी का ही रुझान बता रहे हैं। सबका यही मानना है कि बिनौला खल में जो कपास की कीमतों में जो तेजी बनी है उसका असर कहीं ना कहीं बिनौला खल की कीमतों पर पड़ता नजर आ सकता है, आगे जाके बिनौला खल की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। और दूसरा, बिनौला खल की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो भी कहीं ना कहीं निकल के सामने आ सकती है, पोल्ट्री और डेयरी सेक्टर से बिनौला खल की इंडस्ट्रियल डिमांड देखने को मिल सकती है। बात करें यहाँ से अगर अब मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया का जनवरी वायदा 8600 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 1.5% की करेक्शन है। आज हम देख रहे हैं कि धनिया, जीरा, हल्दी तीनों ही मसाला पैक लाल निशान पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। दरअसल मसालों की कीमतों में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली लौटी है। हमने इससे पहले, अगर धनिया की बात करूं, तो धनिया में हमने इससे पहले 8700 से 8800 के बीच एक सीमित दायरे में ट्रेड होते हुए देखा है, लेकिन जो कीमतें ये रही थी सीमित दायरे में 8700 से 8800 के बीच, वो पहले के मुकाबले ठीक रही थी। और इसी दौरान हमने जीरे की कीमतों को बार बार, लगभग 2 से 3 बार 9000 के ऊपर फिर से जाते हुए देखा था। तो धनिया की कीमतों में ओवरऑल रुझान जो एक्सपर्ट्स हैं वो आगे तेजी का ही बता रहे हैं। साल 2022 में जीरा आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देता नजर आ सकता है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करूं तो जीरे की बुआई जो है वो धीरे धीरे प्रगति की ओर है और पाइपलाइन भी अभी खाली है। तो आज शाम के कारोबारी सत्र में और आने वाले दिनों में
कृषि फसलों में कैसा रुझान देखने को मिल सकता है, मंदी रहेगी या तेजी, अपने जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एम सीवी पर। जी नमस्कार। नमस्कार अमित जी। अमित जी, सबसे पहले आपसे एक कैसे सीड के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। हमने कैसे सीड की कीमतों को इस कारोबारी सप्ताह 5800 से 6000 के बीच में ट्रेड करते देखा है, गिरावट भी रही है। अब देख रहे हैं कि कैसे सीड एक बार फिर से 6000 की ओर जाता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कैसे सीड एक बार फिर से 6000 के बाद 6000 के ऊपर जाता नजर आएगा, या फिर कैसर में एक बार फिर से गिरावट बनती नजर आएगी और 5800 के लेवल्स देखने को मिलेंगे? नहीं, मेरा मानना है कि 5800 का जो एक स्तर है वहां से लगभग पिछले 6 महीनों से बाइंग एमर्ज हो रही है और हमने 6500-6600 तक के दाम को जाते हुए देखा है। तो एक ट्रेंड जाते रहने की उम्मीद है। बहुत ही नजदीकी जो दायरा रहेगा वो 6100 से लेकर 5850 का होगा। तो क्योंकि हम इस स्तर को देख चुके हैं ऑलरेडी और वहां से प्राइस ऊपर आ चुकी है, तो मेरा मानना है कि ये तेजी और एक्सटेंड हो सकती है। इमीडिएट तौर पर 6020 तक के स्तर हम देखेंगे जी। ये समी जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में भी हमने देखा है कि 2800 का लेवल टूटा है और कीमतें 2700 के लेवल्स पर ट्रेड करती नजर आ रही है। हालांकि फिर से देख रहे हैं कि 2800 के ऊपर जाने की, बिनौला खल जाने की एक बार फिर से कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या आज क्लोजिंग होते होते बिनौला खल 2800 का लेवल टच कर पाएगा और क्या आने वाले दिनों में बिनौला खल में 2800 के ऊपर के भी लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? जी, मेरा मानना है कि हम करीबन 2920 से 2910 तक के स्तर देख पाएंगे आने वाले दिनों में। तो जब तक 2720 के ऊपर प्राइस ट्रेड हो रही है तब तक डिप का फायदा उठाया जा सकता है तेजी करने के लिए और 2920 का एक लक्ष्य लेकर चला जा सकता है जी। ये समय जी, बात करें अगर धनिया की, तो धनिया की कीमतों को हमने रिसेंटली 9000 के भी ऊपर जाते हुए देखा है। बार बार धनिया की कीमतें 9000 के ऊपर भी जाती हुई नजर आ चुकी हैं 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हो पाई। और फिर हम देख रहे हैं कि एक बार धनिया एक बार फिर से 8600 से 8800 के सीमित दायरे में ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में भी धनिया इसी दायरे में ट्रेड करता रहेगा और क्या धनिया में आगे कुछ तेजी फिर से बनने की उम्मीद है? जी, धनिया जनवरी वाला जो है मेरा मानना है कि कुछ समय तक एक रेंज में ट्रेड कर सकता है और ये जो दायरा रहेगा वो 8450 से लेकर अपसाइड में 9200 का होगा। तो एक बड़े दायरे में ट्रेडिंग रहेगी, लेकिन लॉन्गर टर्म अभी भी तेजी इसमें बनी हुई है और हम हो सकते हैं आने वाले 1-1.5 महीने में 9200 को निकाल दें और 9550 से 9600 तक के लेवल को छूता हुआ देखें। तो फिलहाल एक दायरा बना रहेगा, लेकिन इस दायरे में मैं 8400 का स्तर फिलहाल रुकते हुए नहीं देखता जी। ये समय जी, बात करें अगर जीरे की, तो जीरे में कल को हमने 16500 के ऊपर ट्रेडिंग होते हुए देखी थी, लेकिन आज देख रहे हैं कि वहां पर सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिली और फिर कीमतें एक बार फिर से नीचे की ओर कारोबार करती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या जीरे में यहाँ पे एक रेंज बन जाएगी या फिर जीरा एक बार फिर से तेजी की ओर जाएगा? जी देखिए, फिलहाल तो आज हमने सेलिंग देखी है जीरे में और ऐसा लगता है रेंज के निचले स्तरों के आसपास हम देख पाएंगे प्राइसेस को। और ओवरऑल मुझे लगता है कि 15650 तक के प्राइसेस जा सकते हैं, लेकिन जो रेंज है ओवरऑल 15600 से लेकर 16300 तक सीमित रहेंगी। तो ओवरऑल एक दायरे में कारोबार होगा आने वाले 2-3 हफ्ते है, लेकिन वो दायरा जो है काफी वाइड हो सकता है जी। अमित जी, देख रहे हैं कि हल्दी भी आज कुछ करेक्शन के साथ ट्रेड करती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या हल्दी जीरा और धनिया के मुकाबले अच्छा रिटर्न देगी या फिर हल्दी की कीमतें कुछ नरमी के साथ ही देखने को मिलेंगी? जी, मेरा मानना है कि हल्दी में जो तेजी का रुझान है वो बना रहने की उम्मीद है। हालांकि आज हमने करेक्शन देखी है, लेकिन ऐसा लगता है कि 9050 से 9000 के बीच दोबारा सपोर्ट मिलेगा मीडियम टर्म प्राइसेस को और हम हो सकता है कि 9500 तक के स्तर जो एक टारगेट की बात की गई थी पहले भी वो लेवल हम जल्दी देख पाएंगे। तो ओवरऑल हल्दी में मैं समझता हूँ कि एक ट्रेंड है, एक रुझान है ऊपर की तरफ का और वो जारी रहेगा जी। ये समझिए, अगर बात करें ग्वार कॉम्प्लेक्स की,
तो ग्वारगम और ग्वासीड में आज हमने सुबह के कारोबारी सत्र में, सुबह के ट्रेडिंग सेशन में एक हल्की सी गिरावट बनते हुए देखी थी, लेकिन फिर से देख रहे हैं कि ग्वारगम और ग्वासीड की जो प्राइसेज हैं रिकवर होते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो पहले वाले लेवल्स थे 11,000 के ऊपर के और 6,100-6,200 के लेवल्स, क्या अब वो फिर से आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल पाएंगे? जी हाँ बिल्कुल, मेरा मानना है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेसिस जो एक रुझान है वो ऊपर की तरफ है। हालांकि इमीडिएट तौर पे एक दायरे में कारोबार हो सकता है जो दायरा करीबन 5,750 से लेकर 6,200 का होगा, लेकिन लंबी अवधि में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि 2 से 3 हफ्तों में हम दोबारा 6,600 के स्तर देख पाएंगे, और उससे भी आगे अगर व्यू लें तो मुझे लगता है कि 7,000 तक के लेवल अखबार सीड में देखने मिल सकते हैं। उसी प्रकार ग्वार गम में भी ऐसा लगता है कि हमें करीबन जो 12,000 से 12,500 के दाम है वो आने वाले 1 से 1.5 महीने में देखने मिल जाए। जी ये समीत जी, बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हमने काफ़ी बड़ी गिरावट आते देखी है। पहले हमने एक रेंज देखी थी जो नीचे 6,000 से लेकर ऊपर में 6,800 की रही थी। अब देख रहे हैं कि जब से सेबी का फैसला आया है उसके बाद से सोयाबीन अचानक से टूटती नज़र आई है और नीचे में 5,700 तक का लेवल दिखा चुकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, अब सोयाबीन की आगे की चाल क्या रहेगी? जी देखिए, रिसेंटली वो 5,800 के करीब के थे और वहां से हम 6,000 के करीब अग्रसर है ऐसा लग रहा है कि जो बायर्स होल्ड करके बैठे थे क्योंकि रुख तेजी का था, तो उन्होंने अपनी पोजीशन मोस्टली निकाल दी होगी और हो सकता है जो शॉर्ट सेलर है वो भी ऐसा ही करें। तो आने वाले कुछ दिनों में मुझे सोयाबीन ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है दोबारा और 6,300 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। जी अमित जी, हाल ही में सेबी ने काफी सारी कम्युनिटीज पर वायदा में बैन लगाया है, आपको क्या लगता है उसका असर कम्युनिटीज पर कितना पड़ता नजर आ सकता है, और क्या आगे कुछ दिनों तक ये कम्युनिटीज ऐसी लाल निशान के साथ ट्रेड करती नजर आती रहेंगी? देखिए, इन कम्युनिटीज में एक्सेसिव बाइंग पोजीशन हो या ए वन साइडेड पोजीशन हो वो अपोजिट साइड चल सकती है, लेकिन ऐसा कोई रुझान हमने किसी भी कमोडिटी में आता हुआ नहीं देखा है। पिछले कुछ दिनों में काफी कमोडिटीज, जैसे आपने भी बताया, एग्री कमोडिटीज एक दायरे में है, चाहे वो जीरा हो या फिर धनिया हो, लेकिन ग्वार कॉम्प्लेक्स भी हमने एक दायरे में ऊपर नीचे करते हुए देखा, तो एक्सेसिव लॉन्ग पोजिशन नहीं है कहीं पर भी। तो इस वजह से ऐसा लगता है कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, और वही हमें देखने में मिला है कि क्योंकि जो पिछले 2-3 सेशन में एक फॉल आया है उसके अलावा कोई बहुत बड़ा एक डिक्लाइन हमें आज तक का देखने नहीं मिला है एग्री कमोडिटीज। जी अमित जी, बात करें अगर कॉटन की, तो M6 कॉटन में आपको क्या लगता है, क्योंकि साल 2021 के अंत होने को है और हम फिर से देख रहे हैं कि जो पिंक बॉलवॉर्म आर्मी है एक बार फिर से एक्टिव होती नजर आ रही है, फिर से कॉटन की फसलों पर पिंक बॉलवॉर्म आर्मी ने हमला किया है, तो उसका असर अब आगे कॉटन की कीमतों पर कितना देखने को मिल सकता है? जी देखिए, मुझे लगता है कि फिलहाल कुछ खासा असर देखने में मिल रहा है क्योंकि आज भी ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रहे हैं और पिछले 3 दिन से अच्छी रिकवरी हमने देखी है निचले स्तरों से, और क्योंकि जो उसका रुक है वो ऊपर की तरफ है, तो मैं समझता हूँ कि 32,600-32,700 के स्तर हमें जल्दी देखने मिल जाएंगे जनवरी वायदा में, और उसके बाद हो सकता है कि हम पिछले हाई थे 33,200 के करीब जो नवंबर में बनते हुए देखे थे वो भी एक बार देख सकते हैं। तो करंट लेवल से इंपैक्ट मैं समझता हूँ कि 2.5 से 3 फीसदी की तेजी आने वाले दिनों में देख सकते हैं। जी ये समय जी, बात करें अगर मेहनता की, तो मेहनता में आपको क्या लगता है, मेहनता में आगे डिमांड कैसी रहेगी और फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर मेहनता के आगे क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? जी मेहनता में मेरा मानना है कि फिलहाल एक रिकवरी देखने मिल सकती है आने वाले दिनों में प्राइसेस में, तो हम देख रहे हैं कि फिलहाल 987 के करीब जनवरी वायदा ट्रेड कर रहा है और पिछले जो हाई से 1,000 के करीब से वहां से एक रिट्रेसमेंट देखने मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि दोबारा काफी जल्द हम 1,000 के ऊपर के स्तर देख पाएंगे। तो करंट लेवल से या अगर अगली गिरावट 982-983 तक आती भी है तो वहां से भी मैं बाइंग की सलाह दूंगा और 1,003 के जो रिसेंट हाई पे वो दोबारा रिटेस्ट हो सकता है। जी अमित जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, टॉपिक्स क्या रहेंगे आज आपकी तरफ से जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है और इस पूरे कारोबारी सप्ताह अच्छा मुनाफा मेरा आ जा सकता है? जी
अगर हमें ग्वार कॉम्प्लेक्स में ग्वार सीड में बाइंग की जा सकती है इमीडिएट टॉप पे 6,300 और उसके बाद 6,650 एक मीडियम टर्म टारगेट लेके चला सकता है। साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि M6 क्वार्टर में बाइंग करके चल सकते हैं, वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट 32,650 का होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो यह था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसल का वायदा बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। तो फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।